आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर कोई नंबर माइनस में होता है तो हम इसका एंटीलॉग कैसा फाइंड करते हैं, क्योंकि अगर नंबर पॉजिटिव में होता है तो उसका एंटीलॉग निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन जब नंबर माइनस में होता है तो उसका एंटीलॉग निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले हम इसका प्रोसीजर समझ लेंगे कि हम कोई भी नंबर अगर माइनस में होगा या निगेटिव नंबर होगा तो हम इसका एंटीलॉग कैसा निकालेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले एग्जाम्पल को देखेंगे, जैसे नंबर है कि -2.8758। अब ये नंबर का जो है एंटीलॉग निकालना है, लेकिन ये नंबर माइनस में है और हमको ये माइनस नंबर को पॉजिटिव अगर करना है तो इसके लिए एक प्रोसीजर है कि सबसे पहली स्टेप उसकी ये होगी कि जो नंबर है -2.8758 तो हम इसको स्प्लिट करेंगे। और कैसा स्प्लिट करेंगे, जैसा देखो कि ये माइनस टू है और फिर इसमें से माइनस करेंगे हम 0.8758 को। यानी हम क्या करेंगे, ये जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड का नंबर है यानी माइनस टू, हम वैसे लिख लेंगे माइनस टू को, और जो बाद में नंबर बचा है यानी 0.8758 तो हम इसको क्या करेंगे, फिर माइनस करेंगे। और हमको मालूम है कि जब भी नंबरों के पास में सेम साइन होती है तो इनका जो है वो एडिशन होता है, साइन जो है वो माइनस की लगती है। तो जब हम टू में ऐड करेंगे 0.8758 को तो इसका आंसर भी क्या होगा कि -2.8758। ठीक है, लेकिन इसको हमने स्प्लिट इसलिए किया क्योंकि नंबर को जो है हमको पॉजिटिव बनाना है। तो पहली स्टेप हमने कर लिए कि नंबर को स्प्लिट कर लिए। अब दूसरा काम करेंगे कि हम जो ये 2 है ये 2 में माइनस 1 करेंगे और ये 0.8758 है तो इसमें हम 1 को ऐड करेंगे। जैसा कि हम जैसे ये माइनस 2 है और इसमें हम फिर माइनस 1 करते हैं अगर तो कितना हो जाता है, -3 हो जाता है। ठीक है, और अब ये जो नंबर है कि 0.8758 तो इसमें हम 1 को ऐड करेंगे और ये नंबर जो है वो छोटा है 1 से, तो इसलिए मेरे पास में 1 बड़ा नंबर है, इसलिए 0, 0, 0 और 0, क्योंकि इसके पास में बहुत 4 डिजिट है डेसिमल के बाद में, तो हम 1 के 1 के जो डेसिमल है उसके राइट हैंड साइड में भी 4 नंबर लिख लेंगे और फिर नंबर को लिखेंगे कि 0.8758। ठीक है, और इसको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, और ये जो 1 है तो ये प्लस का है। ठीक है, ये नंबर में यानी 2 में हमने माइनस किया था 1 नंबर को और यहां पर हमने क्या किया है, नंबर में प्लस किया है 1 नंबर को। अब फिर अगर देखेंगे हम इनका सब्ट्रैक्शन होगा तो फिर 0 में से 8 जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 10 और फिर ये नंबर हो जाएगा 9 और फिर ये नंबर हो जाएगा 9, फिर ये नंबर 9 और फिर ये तो चले गए, इसका मतलब ये 0 हो गया। अब 10 में से अगर 8 जाते हैं तो ये कितना आता है, ये 2 आता है, और 9 में से अगर 5 जाएंगे तो ये हो जाएगा 4, और फिर 9 में से 7 अगर जाएंगे तो हो जाएगा 2, और 9 में से 8 जाएगा तो ये 1, और फिर ये डेसिमल का डेसिमल और ये आ गया 0। तो इसका मतलब जो नंबर माइनस में था तो अब ये जो नंबर है यानी 0.1242 तो ये नंबर जो है वो पॉजिटिव हो गया, और ये नंबर पॉजिटिव हो गया तो इसका एंटीलॉग निकालना हमारे लिए आसान है। तो हम अब क्या करेंगे, ये नंबर का एंटीलॉग निकालेंगे। ठीक है, तो लॉग टेबल है और लॉग टेबल में से हम एंटीलॉग को देखेंगे क्योंकि जो नंबर है हमारे पास में वो नंबर क्या है कि 0.12, तो अगर हम देखेंगे 0.12 को तो यहां पर दिखा है 0.12 और फिर उसके बाद में जो नंबर है वो है 4, तो 0.12 के हम 4 में अगर जाते हैं तो वो कितना मिलता है, वो मिलेगा 1330। तो हम इसको लिख लेंगे कितना हो गया 1330। और फिर एक नंबर बाकी है, ये 2 बाकी है तो इसको देखना है हमको मीन डिफरेंस में, तो ये 0.12 और इसका मीन डिफरेंस का कितना है, ये 2 है, 2 में कितना है तो 1 है, तो अब हम क्या करेंगे, नंबर में 1 को ऐड कर लेंगे। तो ये नंबर में हम 1 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0 प्लस 1, ये 1 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, फिर ये 3 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो ये नंबर का हमने क्या किया है, एंटीलॉग निकाल लिया। लेकिन ये जो नंबर है कि 0.1242 तो इसमें डेसिमल है, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, तो हम क्या करेंगे कि 0 प्लस 1 कितना होता है, यानी 0 प्लस 1 तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो नंबर आया है 1331 तो इसमें एक नंबर के बाद में हम डेसिमल को लगा देंगे तो नंबर हो जाएगा 1.331। लेकिन ये नंबर जो था वो था -2.8758 और हमने जो एंटीलॉग निकाला है वो 0.1242 का निकाला है। तो इसका एंटीलॉग निकालने के लिए हमने पहले काम किया था कि -2 में से -1 किया था तो -3 आया था, तो जो भी नंबर आया था तो उसको हम क्या करेंगे, 10 की पावर में कन्वर्ट करेंगे और उसको
यहां पर लिख लेंगे। तो ये नंबर हो जाएगा कि 1.331 इंटू 10 पावर माइनस 3। और चाहे तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि ये 10 पावर माइनस 3 है, इसका मतलब ये डेसिमल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा कि 0.00133 और ये 1 आ गया। और अगर हम देखते हैं ये नंबर पहले माइनस में था और हमने क्या किया है, इसका एंटीलॉग निकाल लिया। तो ये इसका प्रोसीजर है कि हम कैसा कोई भी नंबर अगर नेगेटिव में होता है तो हम उसका एंटीलॉग निकालते हैं। अब हम देखेंगे सेकंड नंबर के ये नंबर का जो एंटीलॉग है वो कैसा आएगा। तो यहाँ पर नंबर है कि -12.47779, तो वही काम करना है कि जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में नंबर है ना -12 है, तो इसमें से -1 कर देंगे हम, तो 12 - 1 कितना हो जाता है, ये -13 हो जाता है। और हमको इसको काय में कन्वर्ट करना है 10 के पावर में, तो -13 ये हो जाएगा। और फिर डेसिमल के राइट हैंड साइड में जो नंबर है तो उसमें क्या करना है, 1 को ऐड करना है, और 1 जो है वो बड़ा नंबर है तो इसलिए हम लिख लेंगे इसको 1 पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट के ने जो डेसिमल है उसके राइट हैंड साइड में 4 है, तो हम यहाँ पर 0 0 0 ये 4 0 लगा लेंगे और ये नंबर को लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 0.47779 है। और इसको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो फिर 0 में से 9 जो है वो जाता नहीं है, तो इसलिए ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9 और फिर ये हो जाएगा 9 और फिर ये भी हो जाएगा 9 और ये तो 0 हो जाएगा। तो अब 10 में से अगर 9 जाते हैं तो 1 बचता है, और 9 में से अगर 7 जाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, और 9 में से अगर 7 जाएंगे तो फिर ये 2 हो जाएगा, और 9 में से अगर 5 यानी 9 में से अगर 4 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये डेसिमल और ये 0 में से 0 अगर जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब अब हमको जो एंटीलॉग निकालना है वो ये नंबर का निकालना है कि 0.5221, क्योंकि नंबर जो है वो माइनस में था तो हमने इसको क्या कर दिया, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका एंटीलॉग निकालेंगे, तो पहले सबसे पहले लॉग बुक में हमको एंटीलॉग टेबल देखना पड़ेगा। तो ये लॉग बुक का एंटीलॉग टेबल तो यहाँ पर है, सबसे पहले हमको 0.52, तो ये 0.52 यहाँ पे मिल गया, और उसके बाद में हम देखेंगे 2 में, तो यहाँ पर कितना है, 3327 है, तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पर के 3327। फिर एक नंबर बाकी है, 1 बाकी है, तो फिर 1 को देखेंगे हम मीन डिफरेंस में, तो ये है 0.52, उसका मीन डिफरेंस कितना है, 1 है, इसका मतलब कितना हो गया यहाँ पर, 1 में 1 ही है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये नंबर में ऐड करना पड़ेगा। तो ये नंबर क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा नंबर 3। तो हमने जो ये नंबर है इसका एंटीलॉग निकाला, लेकिन ये नंबर का जो लेफ्ट हैंड साइड है तो उसमें 0 है, और 0 + 1 कितना होता है, 1। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो नंबर है कि 3328, तो इसके बाद में यानी 3.3 और ये 28, इसको ऐसा कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 0 है, 0 + 1 कितना होता है, 1, तो इसका मतलब जो डेसिमल है तो वो उसके लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही नंबर होगा। और फिर हमने ये देखा था ये नंबर माइनस में था, तो हमने सबसे पहले काम किया था -12 और -1 किया था, तो -13 आया था, तो 10 के पावर में नंबर कन्वर्ट करेगा, उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेंगे, तो माइनस कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि अगर कोई नंबर निगेटिव होता है तो हम इसका एंटीलॉग कैसा निकालते हैं।